What's up guys, this is Guru Mann. आज हम बात करने जा रहे हैं raw egg और cooked egg के अंदर क्या difference है. देखिए, बहुत लोग कच्चा अंडा खाते हैं बिना cook किए, और जैसा कि मैं भी खाता रहा हूं, अभी नहीं, बहुत साल पहले, जब आपको नॉलेज कम होती है तो आप ऐसी चीजें करते हैं. क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना एंड दादा, यूज्ड टू ईट रॉ एग, तोड़ा, मुंह में डाला, खा लिया. वेल आई डोंट नो, बट आई हैव डन दैट. मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी किया होगा, कभी ना कभी तो खाया होगा. शायद लोग दूध के अंदर डाल लेते हैं, दो कच्चे अंडे डाले दूध के अंदर, चम्मच से आपने फेंटा और पी लिया. बात करते हैं फायदा क्या है, नुकसान क्या है. और दूसरे कुक्ड, चाहे आप बॉयल कर लो, चाहे आप इसका ऑमलेट बना लो, चाहे आप इसको पैन पर फ्राई कर लो, हीट लगाकर आपने उस अंडे को कुक किया है. दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों की बात करेंगे क्विक शॉर्ट वीडियो के अंदर, कि अगर आप रॉ अंडे खा रहे हैं तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप कुक्ड खा रहे हैं तो क्या फायदा हो रहा है. पहले बात करते हैं अंडे के अंदर प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो 6 ग्राम होता है रॉ के अंदर, और कुक्ड के अंदर भी जो प्रोटीन है वो 6 ग्राम ही होता है, नो डिफरेंस. फैट की बात करें तो अंडे के अंदर फैट है, क्योंकि अंडे गोली के अंदर, येलो के अंदर फैट है, तो वो 5 ग्राम है. और कुक्ड के अंदर भी फैट कम नहीं होती, 5 ग्राम ही रहती है. सो इसका मतलब है अंडा चाहे कच्चा हो या कुक किया हो, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, प्रोटीन एंड कार्ब, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है. आगे देखते हैं, आगे जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे इश्यू जो होने वाली चीज है रॉ के अंदर वो है डाइजेशन. और जो डाइजेशन है वो 50% कंपेयर टू डाइजेशन जो है कुक के अंदर वो है 90%. समझते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं. जब अंडा कच्चा होता है और आप खाते हैं, चाहे दूध में डाल दिया, चाहे आप तोड़ा मुंह में डाला, तो आपको मालूम है इट डजंट डाइजेस्ट राइट वे. आपका स्टमक भारी रहेगा, हैवी महसूस करेंगे, उसकी डाइजेशन रेट है वो कम है. उसकी डाइजेशन रेट कम है, वो ब्रेकडाउन जो है अंदर प्रोटीन और फैट की वो बहुत स्लो है. तो डाइजेशन यहां क्या हो गया, स्लो. ये नहीं है कि कच्चा डाइजेस्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, स्लो, बहुत टाइम ले रहा है. यहां पर टाइम कम है, इसका मतलब अगर आप बॉयल अंडे खाते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली 2-3 घंटे वाली अगली मील ले सकते हैं. यहां पर आपको डाइजेशन स्लो रहेगी, और जिससे 50% वर्सेस 90%. आई वॉन्ट माई फूड टू डाइजेस्ट प्रॉपरली. कौन नहीं चाहेगा, आपने जो खाया हो उसकी डाइजेशन अच्छी हो, अब्सॉर्प्शन अच्छी हो. अगर डाइजेशन अच्छी नहीं है तो यहां से खाना 1-2 सेकंड लगते हैं यहां से अंदर लगाने, लेकिन अंदर के घंटे हैं जो वो आपको बॉदर करते हैं बाद में. सो यू डोंट नीड टू गो इन टू दैट प्रोसेस. तो डाइजेशन इज द फर्स्ट बिग इशू. सेकेंड इज This is not safe. Not safe. This is of course safe. 100%. जब मैं safe की बात कर रहा हूं, समझते हैं safe का मतलब है कच्चा अंडा खा रहे हैं, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, सेल्मोनेला. मैंने रॉ वीडियो, एग्स की वीडियो बनाई हुई है, बताया हुआ था मैंने कि उसके अंदर क्या बैक्टीरिया होता है जो बालों को नुकसान कर सकता है, क्योंकि बी विटामिन जो है बायोटिन, उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफेयर करता है वो सेल्मोनेला. मतलब समझे, वो जो बैक्टीरिया कच्चे के अंदर है वो आपके बायोटिन को अब्सॉर्ब करने के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, जिससे बायोटिन क्या है, बालों के लिए इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, एक बी विटामिन है, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जिस तरह से लोग बोलते हैं बाल का थिन आउट होना या बालों का झड़ना बायोटिन, तो कच्चे अंडा अगर आप खा रहे हैं, यू गॉट वॉच आउट. अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, यू डेफिनेटली नीड
proper absorption of B vitamin biotin. At the same time, your proper digestion to feel good, aapka stomach bloated na mehsoos kare. So this is definitely not safe because of the bacteria salmonella iske andar jo hai. On the other side, jab aap usko cook karte hain, bacteria khatam ho jata hai, destroy ho jata hai, chahe boil karein, cook karein. So bacteria nahi hai, it's 100% safe. There should be no issue. There will be no issue basically. 100% safe. I hope jin logon ko wo bacteria ka jab baalon ka jhadna aur thin out ki problem ka question hoga, wo aapko isi ke andar cover ho gaya. That's all. And the panchwa aur last mera point hoga, of course I like that, which is this is iska jo taste hai, bad taste, ye to khair aapko maloom hai. Aur iska kya hai, amazing. Oh wow, taste matter karta hai, of course. Agar taste hi nahi hai food ka, jo jabardasti kis baat ki, kya ek din ki jabardasti hai ke saalon tak ki hai? You gotta be smart. Kacche ande ka taste kaisa hota hai, well aapko already malum hai. Smell kaisi hoti hai, you already know that. To kaccha anda to kai log naak band kar kar peete hain. Well maine naak to nahi band kiya, lekin bahut log karte hain. So taste is not good. So ye ek aisa factor hai jo aapko malum. Of course you want us bana ho, cook kiya ho, onion add kiya ho, uske andar aap salt pepper add karenge, ketchup lagayenge, to taste amazing. So ek small video, raw versus cooked. So agar aap kacche ande ka istemal kar rahe hain ya koi aur kar raha hai, unko bataein ye video dekhein, to aap yahan par ye cheez to mil rahi hai, lekin ye do cheezon ke upar unko nuksan ho raha hai. Let's fix it. Take care. This is Guru Mann. I gotta go. Out.